बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आज हम ये बताएंगे कि मेटा मास्क जो कि इथेरियम की वॉलेट है वो किस तरह इंस्टॉल होता है और कहाँ से अगर आप उसको इंस्टॉल करें तो बेहतर होता है। ये बताने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी हल्का सा पुश करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो इधर से हम कोइन मार्केट को खोलते हैं। कोइन मार्केट खोलने के बाद इधर हम एथेरियम की ही उस पे जाते हैं, वेबसाइट पे, जो ये एथेरियम है इसको हमने क्लिक किया। क्लिक करने के बाद हम एक विंडो पे आ गए जिसमें एथेरियम के मुताबिक सारा डाटा है। अब हम इसकी वेबसाइट पे जाएंगे, ये वेबसाइट है उसकी, इसको हम क्लिक करेंगे। इसको क्लिक करने के बाद हम अब एथेरियम के मेन उस पे हैं, तो यहाँ से हम पैक अ वैलेट पेज पे आने के बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं तो नीचे हमारे पास ये एक लिस्ट टाइप आ जाएगी। इसमें हम मेटामास्क को ढूंढते हैं। ये मेटामास्क है जो कि मोबाइल और वेब वर्जन है, इसका डेस्कटॉप वर्जन नहीं है। तो आप इसको मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं या गूगल क्रोम के ऊपर आप इसको एक्सटेंशन के तौर पे इंस्टॉल कर सकते हैं। इसको हम गो करेंगे तो अब ये हमारे पास डाउनलोड के पेज पे हैं। हम इधर से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड नो से हम करते हैं। चूंकि ये अभी मैं इसको लैपटॉप पे कर रहा हूँ लिहाजा ये वही एक्सटेंशन की वो कह रहे हैं इंस्टॉल मेटामास्क फॉर क्रोम, ये इस पे इसको हम इंस्टॉल करते हैं। इधर ऐड टू क्रोम पे आप क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप से वो इजाज़त मांगे, ऐड एक्सटेंशन हम अलाउ कर देते हैं। अभी इंस्टॉल हो रहा है। उसको क्लिक करने के बाद हमारे पास ये एक विंडो खुल गई। हम क्रिएट अ वैलेट कर देते हैं और उसकी जो भी एग्रीमेंट्स है उसको पढ़ लेना है आपने। इसको हम एग्री करते हैं। एग्री करने के बाद अब हमसे ये पासवर्ड मांग रहे हैं तो हम इसको पासवर्ड दे देते हैं। इसके टर्म्स एंड कंडीशन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, यहाँ से आप इसको पढ़ लें। ये एक लंबा चौड़ा हिसाब किताब होता है, इसको किस तरह आपने यूज़ करना है और क्या करना है इसमें। इसको हम क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद अभी हमारे पास सिक्योर यूअर वॉलेट, या आप अपने वॉलेट को किस तरह महफूज रख सकते हैं, तो ये कुछ रिकवरी फ्रेजेस देंगे। वो रिकवरी फ्रेजेस, ये उसके बारे में एक वीडियो है, अगर आप को समझ नहीं आती तो आप इस वीडियो से भी मदद ले सकते हैं, इसको आप देख सकते हैं। MetaMask is a new way to connect to sites and applications. On traditional websites, a central database or bank. बहरहाल आप लोगों का टाइम ज़ाया होगा, मैं इधर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, आप आराम से इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद अब ये जो लॉक लगा हुआ है इसको हम क्लिक करेंगे तो इसमें सिक्योरिटी फ्रेसेस लिखी हुई हैं। वो फ्रेसेस आप किसी कागज़ के ऊपर लिख के अपने या किसी डायरी पे लिख के कहीं सेव कर सकते हैं। बेहतर ये होगा कि आप घर में किसी ऐसे बाएतमाद शख्स के साथ, वैसे तो किसी के साथ भी आप शेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये जिसके पास होंगे वैलेट उसी का है, लेकिन इंसान मौत और ज़िंदगी कोई पता नहीं है। तो बेहतर ये होता है कि आप किसी ऐसे बंदे के नॉलेज में वो चीज़ लेके आए कि मैंने इधर ये फलां चीज़ रखी हुई है, इनके इसकी कहीं इसकी ज़रूरत पड़ती है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसको। तो इस पे हम जब क्लिक करेंगे इसके नीचे हमें वही फ्रेसेस नज़र आएंगे, वो हमने नोट करने हैं एक डायरी के ऊपर या किसी कागज़ के ऊपर या कहीं भी जहाँ पर आप उसको आम बंदे की रसाई ना हो। ये हमने क्लिक कर लिया है इस पे। ये वो सिक्योरिटी फेसेस है
इसकी तरतीब आपने चेंज नहीं करनी है, इसकी स्पेलिंग मिस्टेक इसमें नहीं करनी है, तो इसको सेम एज ए सेम ही आपने लिखना है। ये सिक्योरिटी फ्रेसेस जब आप नोट कर लेते हैं तो उसके बाद आप नेक्स्ट के बटन को क्लिक करें, ये एक और विंडो आपके सामने आ गई। अभी इसमें वो आपसे कन्फर्मेशन मांग रहे हैं जो रिकवरी फ्रेसेस है कि जो उस तरतीब से जिधर ये लिखी हुई थी उस तरतीब को आपने इधर इम्प्लीमेंट करने है। का तरीका ये है कि पहले वही वाला लफ्ज हम इसमें डालेंगे, तरतीब अगर आप चेंज करेंगे तो फिर इस तरह वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे, तो तरतीब आपका वही होना चाहिए जो चाहिए, हमने इसमें लिख ली है। लिखने के बाद अभी फिर हम इसको कंफर्म करेंगे, जब कंफर्म का बटन हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास ये एक और विंडो खुल जाती है जिसमें कंग्रेचुलेशन कि आपका मेटामास्क वैलेट जो है वो खुल गया है, और ऑल डन पे आप क्लिक करेंगे। ऑल डन पे क्लिक करने के बाद आपके पास एक क्यूआर कोड आ जाता है, ये क्यूआर कोड आप मोबाइल में इसको स्कैन कर सकते हैं। अगर आप मोबाइल पे भी ये वैलेट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप जो ही इसको स्कैन करेंगे उधर से आप प्ले स्टोर पे जाए प्ले स्टोर से आप उसी में इंस्टॉल कर दें तो आपका मोबाइल और डेस्कटॉप यानी जो गूगल क्रोम है इसकी दोनों के ऊपर वो काम करेगा। तो आज की वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बेल आइकन को भी हल्का सा प्रेस करें ताकि आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। इसके साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।